8220 को हमने 196 से डिवाइड किया, 196 कितना आया था बेटा इसके नीचे? हाँ जी 1 66 आया है ना, रिमाइंडर बचा। फिर मतलब इसको काटने के बाद फिर क्या किया हमने, कितने पे किया था, कितना पर, 1 64। इसको कितना किया फिर बचा, कितना 980 आया, और ये 5 पे गया 980। और जब कट गया तो हमारा क्यों, कि हमें बताया था कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो जैसे ही आर जीरो होता है तो बी क्या बन जाता है आपका, SCF। तो यहाँ पर SCF आपका, क्योंकि अगले स्टेप पे हम नहीं गए, हमने वहीं पे ही काट दिया, ठीक है, 196। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो आपका थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं, ठीक है, जो करना चाहते हैं उतार लें। थर्ड पार्ट इसका ये है, देखिए बेटे क्या है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है 867 and 255 यानी 267 अंदर जाएगा, 255 बाहर आएगा। अच्छा हमें तरीका पता है किस फॉर्म में लेना होता है इसको, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, जहाँ पर a कितना था इसमें हमारा 38220, b कितना था 196, q कितना था 195 और r कितना हो गया 0। जैसे 0 हुआ b हो गया हमारा SCF, यही सी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका दूसरा नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि हमें इसको a b q और r की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, और जैसे ही r 0 होता है b आपका SCF हो जाता है। थर्ड पार्ट जो आपका है 867 एंड यानी और 255, तो हमें क्या लिखना है उसी फॉर्म में करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r ग्रेटर इक्वल टू 0 r स्मॉलर देन b, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, बोला एल्गोरिथम, बोला एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है, ये है हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ऐसा कुछ। तो अब क्या हुआ, बाहर जाएगा आपका वही तरीका है, 867 अंदर जाएगा और 255 जाएगा, कितने पे क्या, दो तीन पर, कितना आया था 765, ठीक है बेटा। अब हमारा क्या, 7 में 5 किया 2 0 और 1, 102 आया, तो a इज इक्वल टू हो गया बी क्यू प्लस आर, ए है 867, बी है 255, क्यू है आपका 3, आर है आपका 102, क्योंकि आपका आर 0 नहीं हुआ इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा, फिर से हम वही स्टेप पे जाएंगे और हमें रिप्रेजेंट करना है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, और हमारे पास जो आर है 102, क्योंकि अगले स्टेप में बन जाता है वो b यानी डिवाइजर, और जो डिवाइजर है वो 255, वो डिवीजर बन जाएगा, ये आपका 2 पर जाएगा यानी 204, 5 में से 4 गया 1 और 51, ठीक है। तो आपका फिर भी आर बच गया, ए कितना है 255, बी है आपका 102, आर है क्यू 2 और आर है आपका 51, क्योंकि अभी भी है। फिर से हम अगले स्टेप पर जाएंगे और ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेंगे, 51 हमने यहाँ लिखा, 102 यहाँ लिखा, और ये आपका 51 दूनी 102, है ना, और आर 0 हो गया क्योंकि आपका 102 इज इक्वल टू 51 into 2 + 0, और जैसे आर 0 होता है भी आपका SCF हो जाता है, और यहाँ पर SCF आपका हो गया है 51, विच इज़ योर आंसर, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड ना करा के भी थर्ड कराएंगे, सेकंड में थोड़ा अलग तरीका है, पहले हम थर्ड पर जाते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है बेटा। तो किसी को पूछना है वाला क्वेश्चन, नहीं आगे बढ़ते, चलो क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं अब। हाँ जी, तो क्वेश्चन थर्ड कहता है एक आर्मी कॉन्टिनजेंट, एक आर्मी की मतलब टुकड़ी है, टुकड़ी होती है आर्मी की वो है, और उसमें क्या होता है बेटा,
हाँ जी, उसमें ऐसा होता है कि 616 मेंबर्स इज टू मार्च, 616 मेंबर एक दूसरे के पीछे उन्हें खड़ा होना है, मार्च करना, नहीं कहते लेफ्ट राइट ऐसे करके वो करना है। फिर क्या हुआ, अब तो मार्च कर लेंगे करेंगे आर्मी, लेकिन मेंबर जो होंगे 32 के पेयर में, मतलब वो कह रहा है कि 616 मेंबर हैं और उन्हें मार्च करना है कितने में, 32 के पेयर में मार्च करना है, नहीं समझे, 32 हाँ उन्हें मार्च करना है, समय आ गई। आगे बढ़ते हैं, फिर परेड में द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और उन्हें क्या करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है, मतलब एक दूसरे के पीछे, है ना, इन विच दे कैन मार्च, है ना, द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम, तो क्या हो गया, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब उन्होंने एक दूसरे के पीछे मार्च करना है, 32 के आपको लेना है, कितने कॉलम बनेंगे, यानी कितने कॉमन कॉलम बनेंगे, और जब भी कॉलम कॉमन आता है तो इसका मतलब नथिंग बट इट इज अ एच सी एफ। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि आपको निकालना है बेटा एच सी एफ निकालना है बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपको 616 यानी आपको फिर से बना लेते हैं, तो आपके पास दो केसेस हैं, टोटल आपके पास 616 हैं, है जी, और 616 हैं और एंड आपके पास है 32, याद है, अभी आप ऐसा कर सकते हो 616 और 32, यस और नो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, 616 को अंदर डालो और 32 को बाहर, ठीक है, आप काटते हैं इसको, आपको दो पे जा नहीं सकता क्योंकि 64 हो जाएगा, हाँ, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 32 एकम 32, यहाँ पे गया आपका एकम 32, 11 में 2 गया 9, और यहाँ बचा 5, 5 में 3 गया 2, 29 और 6, 7 काट लेते हैं ना, तो हमारे पास अभी भी कटेगा ये, हाँ आप काटते हैं 32 का 9 पे, कितना 9 दो 18 की 8 हासिल लगी 1, 9 3 27 और 1 28, 288 है, 9 दो 18 की 8 1 कैरी, 9 3 27, 27 और 1 28 ही आ गया ना, तो गया कितने पे बेटा, ये 6 में से जाएगा नहीं, 16 में से 8 गया 8 है ना, ये बचा, अब आपके पास रिमाइंडर आ गया थे, तो क्योंकि 8 छोटा है 32 बड़ा है, अब इससे नीचे हो नहीं सकता क्योंकि हम इसमें डेसिमल में जाते नहीं है, है ना, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये मेथड है, उधर जाएंगे हम लोग अगर कहीं और सोल्व करते, तो यू को डिवीजन लेमा लगा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट डेसिमल में नहीं जाते, तो वही चीज़ है, a कितना है आपका 616, b कितना है 32, q कितना है आपका 19 और r कितना है आपका 8, ध्यान रखना बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर आपने अगले स्टेप में क्यों गए, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बेटा अभी छोटा हो गया, इसे कटेगा नहीं, जब तक लेते रहो कैरी करते रहो तब तक कटता जाए, और जैसे ही आज छोटा जाता है डिवाइजर से, यानी आर जो रिमाइंडर है शेषफल है वो आपके विभाजक, यानी डिवाइजर से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो कटेगा नहीं, छोटा कैसे कटेगा, हाँ तो सारी बात है, आ गया, तो अब इसको अगला जाएंगे वही तरीका, आर बन जाएगा बी, बी बन जाएगा ए बन जाएगा, अंडरस्टूड, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात नहीं करते, तो इस क्वेश्चन को निकालते हैं, हाँ जी, तो अब इसको इसके अंदर में डालते हैं, हाँ, तो आर कितना है आपका, ए आ जाएगा, इधर बी कितना है, थर्टी बन जाएगा जो आपका, ए बन गया है, है ना, तो 32 बन जाएगा आपका, आप ए फोर जा 32 आपका पूरा पड़ गया, इंटीजर्स क्या है पूर्णांक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
या तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव को मैं बता दिया प्लस के, ऑड का मतलब होता है 1 2 3 1 2 नहीं 1 3 5। हाँ, जो क्वेश्चन में दिया है, अब वो कह रहा है पॉजिटिव है लेकिन ऑड इंटीजर्स है। फिर कहता है उसकी जो फॉर्म होगी 6q+1 6q+3 और 6q+5 होगी, और जहां पर q एक इंटीजर होगा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वही तो कह रहा है यहाँ पर, क्या है ना, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 या 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर, है ना, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो अब इसको एक काम कर देते हैं, हमने ये वो लिखा जो उसने बोला है यहाँ पर, ये तो मेरी बात नहीं है, ये इसने बोला है। अब होता है क्या, हो सकता है क्या, पूछ रहा है इसमें करना क्या है, वो अगला कैसे लिख लिया यहाँ तक, अब मैं वहां पे जा रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन बता दिया मैंने सिर्फ, ठीक है। हो गया yes, अब तुम्हें क्या करना है, सुनो, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, तुम ध्यान नहीं दिया, इसमें लिखा है 6, देखो ध्यान सुनो, 6q+1 गौर से देखो, 6q+1 दिखाना, अगर 6 को देखा जो तो 6 क्या होता है, अगर हम लोग यूक्लिड, एक मिनट सुनो सुनो, अगर हम जाते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा की तरफ जाते हैं, एल्गोरिदम एल्गोरिदम की तरफ जाते हैं, सुनो 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 सुन लो, रिदम है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की तरफ जाते हैं, लिख लो ना, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, हाँ जी, इसका मतलब ये होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो होता है। अगर 6 को देखो, इसको थोड़ी देर रखो, 6 और q, b और ये तो हुआ 6q+r, ये तो है, और यहां पर 1 है, तो यानी 6 इज नथिंग बट इज अ b, और q हम इसे इंटीजर बोल दिया, और r क्या है इसमें आपका 1। अब r कहां तक गया है, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 6q+1 6q+3 6q+5, r आपका 1 है, r आपका 3 है, r आपका 5 है, यानी 1 भी है यार, 3 भी है, और r 5 दिखाई दे रहा है, r आपका क्या है 1 3 5, लेकिन नोट करने की बात है 5 क्या होता है b से छोटा होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि इनकी थ्योरम में एक बात ये भी थी कि r जो होगा वो ग्रेटर और या जीरो से, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, और r जो होगा वो b से छोटा होगा, याद है, अगर इस फॉर्म में हम इसे लिखते तो कैसे लिखते, सुन लो मेरी बात, इसको एक्सप्लेन करें, डेरिवेशन आनी है बस, लिखते तो क्या करते हम, यहाँ तो समय आ गया, इसको हम लिखते तो r हमारा क्या हो जाता, r हमारा हो जाता जीरो, हो सकता था 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, बट r हमारा 6 नहीं हो सकता, r हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें r को 1 लेना है, 3 लेना है, और 5, कैसी रही, कैसी रही, यहां तो समय आ गया, अब हमें इंटीजर है, यहां तक आ गया, क्लियर है, अब इसके बाद अगला स्टेप लिखते हैं, समझ में आ रही है, मैं समझा रहा था यहां पर, यानी अगर a इज इक्वल टू bq प्लस r है कि 6q+1 6q+2 6 सॉरी 6q+3 6q+5 6 हमारा b है, q इंटीजर है, यहाँ पे अगर यूक्लिड में जाते तो ये डिवाइजर है b, यानी 6 हमारा विभाजक या डिवाइजर है, q हमारा कोशेंट है, और 1 हमारा क्या है बेटा, एक वन हमारा रिमाइंडर है, ठीक है बेटा, 1 हमारा एक रिमाइंडर, यहाँ देख लो, ठीक है, 3 हमारा रिमाइंडर है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा हटा रहा हूं मैं, ठीक, अब हमें इस फॉर्म में लेके लाते हैं, उसको देखें रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, सुनो मेरी बात, ओए, अब हमने क्या किया, इनमें हमें कॉमन लेना है, ट्रिक जाती है जैसे मैं बता रहा हूं, क्या ले लो, एक कॉमन, अगर हम बाहर 2 लेते तो क्या होता, 3q+2 6+1, अगर हम यहाँ पे लेते और k1 हमारा जाता
सिक्स क्यू प्लस थ्री, तुम यहाँ क्या लेते, दो ले लेते, दो तिया छ, ये आ जाता, ये आ गया देखो, अब दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, तो के वन इसमें क्या जाता, ये के टू हो जाता है इसमें, थ्री क्यू प्लस टू, बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या जाता, क्यू के के वन इजिकल टू थ्री क्यू, अभी समझ आएगा देखो, अभी तभी दिखा रहा हूँ मैं, अभी एक साथ रखूंगा, और अगर मैं यहाँ लेता टू लिया बाहर, थ्री क्यू प्लस टू आ गया ना प्लस वन, ये देख रहा था मैं, थ्री क्यू प्लस टू, थ्री क्यू प्लस टू, और यहाँ पे नहीं आ रहा, हमें ध्यान रखना इधर पे सब जगह क्या रखनी है, सेम रखनी है, हाँ बनाएंगे, बना रहे हैं, जाऊँ इसमें आ गया थ्री क्यू प्लस टू, थ्री क्यू प्लस टू, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता तो क्या बन जाता, देखो मेरी बात, मेरी बात ये बन जाता टू के वन प्लस वन, टू के टू प्लस वन, अभी बताता हूँ टू के थ्री प्लस वन, हाँ पूछो बेटा, ये सर टू टू जब फोर और फाइव हो जाएगा, कहाँ पर बीच वाला, ये सर सिक्स क्यू प्लस थ्री, थ्री क्यू प्लस टू टू बन जा टू, हाँ ये बन आएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, वन आएगा टू बन जा, एक मिनट टू बन जा टू, हाँ टू प्लस वन, हाँ ये बन आएगा अंदर, ठीक है ठीक है, अब सही है ठीक है, अब बाद हो गया इधर टू, यहाँ सही है, तो के वन हमारा का ये हो जाता, के टू हमारा और के थ्री आ गई ना फॉर्म में हमारी, और जगह क्या मिल रहा है हमें, तो उससे पता क्या लग गया, इंटीजर है लेकिन है क्या, और रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर नहीं समझ आई, सिक्स क्यू प्लस वन, टू के टू है ना प्लस वन, वो सर निकाल कर लिया सर आपने, पर मेरे को ये समझ में नहीं आया सर, ये निकाला किस लिए सर, क्यों किया है, ये क्वेश्चन है, वही तुम समझा रहा था, क्योंकि आप इसमें रिप्रेजेंट ये करना चाह रहे थे कि और इंटीजर है, इसको आपको कॉमन लेकर, इसको आपको कॉमन लेकर इसे रिप्रेजेंट करना है, और ये दिखाना है कि ये ऑड बचेगा या नहीं बचेगा, कुछ भी कर लो आखिर में वन, मतलब एक ऐसा नंबर आएगा आएगा जो आपका ऑड आएगा, और जिसको एक फॉर्मूले की तरह हम बना सकते हैं, अगर आप देखो तो के वन के टू और के थ्री आ रहे हैं जो आपको एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हर बार एक वन बच रहा है कि आप कुछ भी कर लो कि ये आपका ऑड रहेगा ही रहेगा। इसकी बस एक स्टेटमेंट लिखनी है जो यहाँ थे वो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखोगे आप इसमें, सिक्स क्यू प्लस वन कॉमा सिक्स क्यू प्लस थ्री कॉमा सिक्स क्यू प्लस फाइव आर नॉट डिविजिबल बाई टू, क्लियर, हिंदी में क्या लिखते हैं, सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव, जो किससे डिविजिबल नहीं है, दो से नहीं है, और जो दो से, क्योंकि आप देख लो बेटा इसको हटा दो, आपको पता नहीं, जो भी कोई भी इवन नंबर हो उसमें वन करोगे और हो जाएगा, है ना, अगर हम बात करते हैं वन यहाँ भी आ रहा है, वन यहाँ भी आ रहा है और वन यहाँ भी आ रहा है, इसको देखा जाए अगर, तो आप कह सकते हो ये बात डिविजिबल नहीं होगी, यानी कहने का मतलब चाहे टू के प्लस वन हो आपका, टू के प्लस टू प्लस वन हो और टू के थ्री प्लस वन हो, ये दोनों ही कैटेगरी जो हैं वो दो में डिविजिबल नहीं होंगी, इसीलिए ये आपका क्या है, इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, समझ में आ गया, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, यही बात शो करनी थी, इसीलिए सारी गेम चलाई। इसमें ट्रिक क्या कहती है, सबको क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लो और एक ही फॉर्म में बनाने की कोशिश करो।